इस वर्ष वैद्यनाथ धाम में 2 माह तक श्रावणी मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और एसपी सुभाष चंद्र जाट ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। ऐसे में बदलते मौसम के बीच देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट अपनी टीम के साथ है श्रावणी मेला 2023 की तैयारियों के निरीक्षण में निकल पड़े। तेज हवा और बारिश के बावजूद देवघर एसपी ने जसीडी के कुमैठा स्टेडियम से लेकर शिवराम झा चौक तक रूट लाइन का निरीक्षण किया। संरचना में कोई कमजोरी नहीं रहे और जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए ये तैयारी के दौरान कई बार ये इंस्पेक्शन चलेगा। आज भी एक इंस्पेक्शन हुआ है, उसमें कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी उसकी प्रगति है। कहीं कुछ छोटी मोटी कमियां हैं वो संवेदक को बता दी जाएगी और बहुत सही तरीके से भी कार्य चल रहा है। देखिए, जब आप सुरक्षा की बात करते हैं तो आप अग्नि, बिजली और उसकी मजबूती तीनों बातों को ध्यान में रखते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बिजली हो जाती है कुछ कुछ स्थानों पर, तो वो पॉइंट्स भी नोट किए गए हैं। संवेदक को इसके बारे में पहले भी जानकारी दी गई है और लगातार बिजली विभाग के ऑफिसर्स हों, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हों, चाहे और ऑफिसर्स हों, वो सब लोग इस बात को पॉइंट आउट करते रहते हैं कि कोई भी ऐसी कमी नहीं रहे जिससे अत्यधिक खतरा उत्पन्न हो जाए। जो काम अच्छे से हो रहा है, छोटी सी कमी के चलते उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। श्रावणी मेले को शुरू होने से पहले ये काम पूरा हो जाना चाहिए और पिछले साल भी हो गया था, इस साल भी होगा और एक अच्छा हम वातावरण जो आने वाले कांवड़िए हैं उनको दे पाएंगे। देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट की पोस्टिंग 2022 में देवघर में हुई थी। ये उनका पहला मौका था जब उन्होंने श्रावणी मेले में व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली और अपने बेहतर मैनेजमेंट की वजह से सुर्खियों में आए। देवघर पुलिस इस वर्ष और बेहतर सुविधा भक्तों को देना चाहती है और इसी को लेकर पहल खुद एसपी साहब कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।